my channel and in this video we're going to talk about how to study in Poland और क्या process होती है exactly, कैसे university choose करें, कैसे English का exam दें, कैसे visa book करें, कैसे जो भी सारा process होता है ना, मैं सबके बारे में बात करने वाला हूँ. तो please make sure to watch this video till the end और कोई पास skip मत करना भाई, बहुत ही important video होने वाली है आपके लिए. In case if you are new to my channel, so please make sure to hit the thumbs up और subscribe करना भाई. मतलब भाई location दिखा दूँ, बहुत ही प्यारी location. यहाँ पे कुछ फिजिकल जिम एक्टिविटीज की भी इक्विपमेंट्स हैं, आप कर सकते हो. और वहाँ पे एक बहुत ही प्यारा भाई सामने चर्च है. हमारा कैमरा वगैरह सब कुछ भाई सेटअप हो गया है. अब फाइनली बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है पोलैंड आने की, बिकॉज मेरे से बहुत लोग पूछते हैं उसका. प्लीज मेक अ वीडियो हाउ टू कम टू पोलैंड, हाउ टू स्टडी इन पोलैंड. तो उसके लिए पहला टॉपिक ये है कि फर्स्ट यू हैव टू चूज द यूनिवर्सिटी, राइट. आपको कॉलेज चूज करनी पड़ेगी कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है. उसके लिए आप सीधे गूगल सर्च कर सकते हो और बहुत सारे स्टडी पोर्टल्स भी होते हैं, आपको उससे पता चलेगा कि कौन से कॉलेज की क्या रेपुटेशन है, कितनी वर्ल्ड रैंकिंग है और कौन कौन से कोर्सेज हैं उस यूनिवर्सिटी में. तो आपने वो डिसाइड कर लिया. फिर आपका सेकंड प्रोसेस आता है कि कौन से कोर्स में जाना है आपको. यूनिवर्सिटी तो आपने चूज कर ली रैंकिंग देख के या जो भी, फिर सेकंड यू हैव टू चूज कि आपको क्या कोर्स करना है. और मेरा सजेशन यही है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कि आप कोर्स वही चूज करो जिसमें आपको लगे कि आपका रेलिवेंट है. लाइक अपने बैचलर्स में जैसे आपने मैथमेटिक्स पढ़ाया साइंस वगैरह, तो आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, या फिर आपको बायोटेक्नोलॉजी ये सब अगर कोर्स करनी है मेडिकल वाली, तो आप MBBS वगैरह चूज कर सकते हो. पॉइंट ये है कि आपका कोर्स रेलिवेंट होना चाहिए आपने जो इंडिया में पढ़ाई करी है. अगर आपने इंडिया में बैचलर्स करी है, आपको पोलैंड आना है फॉर मास्टर्स, तो आप ऐसा कोर्स लो जो आपके बैचलर से रेलिवेंट हो मास्टर्स के लिए. अगर आपको बैचलर्स करनी है पोलैंड में, तो आप ऐसा कोर्स लो जो आपने पढ़ी है अपने हाई स्कूल में, अपने ट्वेल्थ में जो भी सब्जेक्ट्स लिए थे, मैथ साइंस आर्ट्स वगैरह. ऐसा नहीं है कि आपने आर्ट्स लिया ट्वेल्थ में और आप पोलैंड आ रहे हो सीधे MBBS करने या फिर कंप्यूटर साइंस करने. उस केस में ऐसा होता है कि वीज़ा के चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं, बिकॉज जो एम्बेसडर है या फिर आपका जो भी आपका वीज़ा प्रोसेस होगा. तो गाइस एडमिशन में उतनी दिक्कत नहीं होगी आपको, कॉलेज में आसानी से एडमिशन वगैरह मिल जाएगी. जो भी आपको फाइनल वीज़ा मिलता है ना पोलिश एम्बेसी से, उसमें आपका इंटरव्यू भी होता है. मतलब उस केस में इनको ऐसा डाउट हो सकता है कि आपका पर्पस कुछ और ही है पोलैंड जाने का, मतलब जो भी जाके वहाँ पे आपको किसी और कंट्री मूव करना है या फिर बिजनेस वगैरह करना है या फिर बस जॉब करनी है, पढ़ाई का आपका मोटिवेशन नहीं है. तो इसीलिए आप ऐसा कोर्स चूज करो जो आपके रेलिवेंट हो. एंड देयर आर फ्यू वेबसाइट विच यू कैन चूज फॉर सर्चिंग द कोर्स. उसमें से है bachelorsportals.com, mastersportals.com और पोलिश गवर्नमेंट की भी एक दो वेबसाइट है studyinpoland.com ऐसे करके. तो आप वहां से आप कोर्स चूज कर लो, आप देख लो आपका रेलिवेंट कोर्स है और उसका रिक्वायरमेंट क्या है कोर्स का. बिकॉज यहाँ पे पोलैंड में लेट मी टेल यू, यहाँ पे हार्ड कोर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट होता नहीं है कि आपको GRE, GMAT वगैरह ये सब SAT वगैरह के स्कोर नहीं चाहिए होते हैं. तो आप देख लो कि क्या रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर रहे हो, देन यू कैन अप्लाई. वैसे बात है सेकंड प्रोसेस पे और वो है फाइनली अप्लाई करना. उत्कर्ष मैं कंसल्टेंसी के थ्रू करूँ, एजेंट के थ्रू करूँ या खुद से अप्लाई करूँ. गाइस उसके लिए मेरा सजेशन ये है कि अगर आप खुद से कर सकते हो तो करो भाई, इज वेल एनफ, इज वेरी गुड. यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी, अराउंड 60-70-80,000 जो भी एजेंट्स की या कंसल्टेंसी की फी होती है. तो गाइस खुद से अप्लाई करने का एक डिसएडवांटेज यही है कि अगर आपने कुछ भी गलती कर दी, कुछ भी प्रोसेस ढंग से नहीं हुआ या टाइम पे नहीं हुआ, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई व्हेन यू अप्लाइंग टू स्टडी अब्रॉड, आपका पूरा प्रोसेस मेस्ड अप हो जाएगा और फिर आपको अगर वेट करना पड़ गया 6 महीने साल भर, तो समझ लो ना टाइम वेस्ट होता है. तो उसके लिए आप 50-60 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो, इट्स लाइक अ पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन योर फ्यूचर. हाँ, मेरे से बहुत लोग ये पूछते हैं कि उत्कर्ष विच कंसल्टेंसी वी शुड गो फॉर. ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम नॉट टाइड अप विद एनी कंसल्टेंसी. हाँ, अगर आपको मेरे से हेल्प चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प फॉर अप्लाइंग फॉर पोलैंड, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कमेंट करो या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा. उसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ, आप एक पर्सनल सेशन बुक कर सकते हो मेरे साथ 1-to-1, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा. आप 30 मिनट्स, 50 मिनट्स, 20 मिनट्स, 45 मिनट्स आपके ऊपर है. आई विल गाइड यू थ्रू ऑल द प्रोसेस, मैं बता दूंगा क्या प्रोसेस है और कैसे आपको वीज़ा अप्लाई करना है, कैसे कॉलेज में एडमिशन अप्लाई करना है. तो उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. ऑल्सो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, तो मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा. और फिर उसकी छोटी सी फीस होगी फॉर श्योर, बिकॉज भाई सबके टाइम की वैल्यू है, मेरे टाइम की भी वैल्यू है, आपके टाइम की भी वैल्यू है. तो एक छोटी सी फीस होगी जरूर, बिकॉज मेरे को भी अपना घर चलाना है भाई. मैंने लिटरली कैमरा ऐसा लगा दिया है भाई और गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, पर आपके लिए करना पड़ता है, तो सब्सक्राइब करना भाई. और गाइस लेट मी टेल यू, मेरे से बहुत लोग पूछते हैं उत्कर्ष शुड वी गिव IELTS, या IELTS इंपॉर्टेंट है पोलैंड के लिए या नहीं है. तो उसके लिए मैं यही बोलूंगा कि आप IELTS दे दो. आप IELTS देने से आपका एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना इंग्लिश में, वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा. आप जैसे देख सकते हो ना, मैं भी इंग्लिश में थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ भाई. मतलब IELTS मैंने भी दी थी, 15-20 हज़ार रुपये खर्चे किए थे. तो आप भी IELTS दे दो. IELTS ये होगा कि आपका जो वीज़ा इंटरव्यू होगा उसमें आपको एक बहुत ही बूस्ट मिलेगा और ओवरऑल आपका प्रोफाइल काफ़ी अच्छा हो जाएगा. अगर आपके थोड़े गैप हैं स्टडीज़ में या फिर आपके मार्क्स वगैरह उतने अच्छे नहीं हैं, आई डेफिनेटली रिकमेंड यू शुड गिव IELTS. गाइस इफ़ यू आस्क मी, मैं ये बोलता हूँ कि आप इतना खर्चा कर रहे हो स्टडी अब्रॉड के लिए, तो एक 15-20 हज़ार एक इंग्लिश का एग्ज़ाम है उतनी मुश्किल नहीं है भाई, दे दो, हो जाता है. और एक सर्टिफिकेट रहेगा तो आपका एक एज ही रहेगा कि आपको भाई मतलब इंग्लिश आती है, समझ रहे हो ना. और गाइस IELTS देने का एक और बेनिफिट होता है, आपने CV इनपुट कर सकते हो कि आपने IELTS दी है और आपको इंग्लिश आती है अच्छे से, तो
ये भी एक प्लस पॉइंट है, पोलैंड आओगे तो जॉब में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस एट दिस पॉइंट आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता चल गया कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेनी है और कौन से कोर्स में लेनी है। तो हर कॉलेज की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको क्या मार्क्स चाहिए, या फिर वो एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट भी ले सकते हैं, या फिर दे कैन ऑल्सो टेक टेस्ट ऑफ योर इंग्लिश। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना है। गाइस मैं एक पॉइंट बीच में मिस कर गया, वो है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और कवर लेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कवर लेटर इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द वीजा, उसके बारे में थोड़े बाद बात करेंगे। तो गाइस SOP का मतलब ये है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसमें उनको दिखना चाहिए कि आपने इस कोर्स में क्यों अप्लाई किया है और इस यूनिवर्सिटी में। मैं तो बोलता हूँ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी एक बना लो, उतना मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपके पास है या आप बना सकते हो वेल एनफ, आई कैन ऑल्सो हेल्प यू फॉर दैट। और फिर से भाई आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है और फिर क्या कोर्स में जाना है, राइट। तो आप फाइनली अपना प्रोसेस स्टार्ट करो। और पोलैंड में होते हैं 2 इनटेक्स, एक होता है अक्टूबर इनटेक और एक होता है फरवरी इनटेक। अक्टूबर इनटेक के लिए जो एडमिशंस होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में वो स्टार्ट हो जाती हैं अराउंड फरवरी और मार्च और अप्रैल, मतलब अप्रैल तक तो स्टार्ट हो जाती है एडमिशन, और मई जून तक डेडलाइन होता है भाई, कि उसके पहले आप अप्लाई कर दो। फरवरी इनटेक इज़ ओनली फॉर मास्टर्स, इज नॉट ओनली फॉर मास्टर्स, बट मास्टर्स में ज़्यादा कोर्सेज होते हैं फॉर फरवरी इनटेक। तो फरवरी इनटेक की जो डेडलाइन होती है अराउंड दिसंबर या जनवरी के आसपास। तो गाइस अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो अभी जो अगला इनटेक है नेक्स्ट इनटेक विच इज़ अक्टूबर 2023, तो उसके लिए आप भाई प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अभी बहुत टाइम आपको लग रहा होगा, बहुत टाइम है, पर आप जब प्रोसेस स्टार्ट करोगे तो देर आर सो मेनी थिंग्स यू हैव टू गो थ्रू, और सब कुछ इतना टाइम पे नहीं होता है भाई। मतलब स्टडी अब्रॉड का एक जनरल वसूल ये है कि आप जितना एडवांस से प्रिपरेशन करो, जितना पहले से प्रिपरेशन करो, उतना आपको सारे प्रोसेस में आसानी हो जाएगी और आपका एक मेंटल पीस रहेगा, आपको इतना प्रेशर नहीं फील होगा कि भाई आई एम मिसिंग डेडलाइन, या फिर टाइम नहीं है अभी अप्लाई करने का, वो अप्लाई करने का, डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, जो भी, समझ रहे हो ना। तो बात करते हैं कि कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एग्जैक्टली। तो लेट मी टेल यू द डॉक्यूमेंट्स। पहला डॉक्यूमेंट है भाई आपके 10th और 12th के मार्कशीट, वो मांगते हैं बेसिकली 12th के मार्कशीट में अच्छे नंबर होने चाहिए, ऐसा कोई हार्डकोर रिक्वायरमेंट नहीं है, पर अगर आपके 60-70% के ऊपर हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या आपका हिस्ट्री और आर्ट्स भी है तो कोई टेंशन नहीं है भाई, पर आपके 50-60% के ऊपर नंबर होने चाहिए और इतने नंबर हैं तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। तो गाइस आपका एम ये होना चाहिए कि आप 80% के ऊपर सोच के रखो कि 80-90% स्कोर करें अपने 12th में, पर उतना नहीं होता भाई, मेरा भी नहीं हुआ था, वेरी फ्रैंक, मतलब आई वॉज अ वेरी मीडियोकर स्टूडेंट। मेरे को 12th पास किया आई थिंक अराउंड 3-4 ईयर्स हो गए हैं और मेरे को याद भी नहीं है कि मैंने कितना स्कोर करा था, आई थिंक इट वॉज 75% समथिंग। तो ऐसा कि स्कोर आप एम करके चलो तो हो जाएगा भाई एडमिशन, टेंशन नहीं है। तो गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर अप्लाइंग इन पोलैंड इन पोलिश यूनिवर्सिटीज़। पहला डॉक्यूमेंट होगा आपके 10th 12th के मार्कशीट, और मार्कशीट भाई अपोस्टाइल होनी चाहिए। तो अपोस्टाइल के बारे में मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। आप अपोस्टाइल वहाँ से करा सकते हो, एक एजेंसी है बहुत ही ट्रस्टेड, मैंने भी उन्हीं से कराया था अपना प्रोसेस, तो आप वहाँ पे उनको कांटेक्ट करो, वो आपको अपोस्टाइल आपका डॉक्यूमेंट कर देंगे। तो अपोस्टाइल आपको करनी है अपनी 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये आप डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल कर लो, फिर आप कॉलेज में अप्लाई कर दो। गाइस टू सबमिट आपको बैचलर्स में एडमिशन के लिए इन पोलिश यूनिवर्सिटीज यू नीड योर 10th 12th मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट प्लस IELTS, अगर आपके पास IELTS है, अगर IELTS नहीं है देन यू नीड टू गेट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, और ये वो सर्टिफिकेट है जो आपको आपको 12th के स्कूल से मिलेगा, मतलब जहाँ से आपने 12th करी है आप वहाँ पे जाओ स्कूल में, उनको बोलो कि मेरे को एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, जिसमें कि वो लिखा रहेगा कि आपकी जो इंग्लिश की लेवल है वो B2 है और आपकी पूरी एडुकेशन इंग्लिश में हुई थी, इंग्लिश मीडियम में। अगर आपने CBSE से पढ़ाई करी है, CBSE बोर्ड से, तो कोई टेंशन नहीं है, पर अगर आपने किसी लोकल अपने स्टेट बोर्ड से पढ़ाई करी है लाइक UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, देन आपको IELTS देना तो भाई मैंडेटरी हो जाएगा, बिकॉज आपके पास इंग्लिश की कोई सर्टिफिकेट नहीं रहेगी, राइट। तो उस केस में आप IELTS दे दो, कोई टेंशन नहीं है भाई, IELTS के लिए मैं आपको हेल्प भी कर दूंगा जब आप बस सेशन बुक करो 1-to-1, और आप YouTube पे बहुत सारे वीडियो दे सकते हो भाई हाउ टू स्कोर 7 बैंड 6 बैंड इन IELTS। मैंने इंग्लिश की एग्जाम दी थी IELTS की अराउंड 4-5 ईयर्स ago और मेरे बैंड आए थे 7 बैंड ओवरऑल। सो लेट्स से फाइनली आपने सारा डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिया, तो आपके दिमाग में आ रहा होगी फाइनली अप्लाई कैसे करें। वो जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में अप्लाई करना है उनके वेबसाइट पे जाओ, उनके वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाओ पहले, एंड देन एक ऑप्शन होगा अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दो, और फिर आप सारे डॉक्यूमेंट वो बोलेंगे आपको अपलोड करने के लिए। अपने एप्लीकेशन फी की जो पेमेंट है वो भी कर दी अपने बैंक के या मेरे थ्रू है जैसे भी। फिर आपको करना है वेट, और वेट कितना करना है फाइनल एक्सेप्टेंस के लिए, डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। इन सम केसेस कोई कोई यूनिवर्सिटी आपको 1 वीक में दे देगा एडमिशन लेटर, कोई 2 वीक में दे देगा, कोई 3 वीक, कोई 4 वीक। आप कॉलेज को ईमेल लिखते रहो कि क्या हो रहा है मेरे एडमिशन का, तो आपको बताएंगे क्या स्टेटस है, ठीक है। तो मैक्सिमम 1-2 महीने में आपका एक्सेप्टेंस लेटर, एडमिशन लेटर आ जाएगा भाई कॉलेज से। अगर नहीं आता है तो देन यू कैन कॉल द यूनिवर्सिटी या आपको ईमेल लिखो, और एक बार अगर आप एक्सेप्ट हो गए उस प्रोग्राम में तो नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट द ऑफर, और आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया देन यू हैव टू पे द फाइनल ट्यूशन फी फॉर 1 ईयर। तो 1 ईयर की ट्यूशन फी यहाँ पोलैंड में अप्रॉक्स
3,000 to 3,500 euros या 4,000 या 5,000 euros max. उसमें मैं तो आपको उतना help नहीं कर पाऊंगा, वो आप अपने जो आपका इंडिया में बैंक होगी आप उनसे जाके बात करो कि यू हैव टू पे द ट्यूशन फी अब्रॉड एक फॉरेन के यूनिवर्सिटी में, तो आपको अच्छा हेल्प करेंगे भाई, एंड देन यू कैन पे. मतलब गाइस ऐसा ही होता है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वी हैव टू पे द ट्यूशन फी फॉर 6 months और 1 year. मतलब कॉलेज तो ऐसा ही बोलता है कि आप 6 महीने की पेमेंट कर दो फिर आपके इशू आ सकते हैं वीजा में, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू पे द ट्यूशन फी फॉर 1 whole year राइट इन एडवांस. आप इंडिया में बैठोगे और आपको पेमेंट करनी है 1 year की. पहले से आपने पेमेंट भी कर दी जो ट्यूशन फीस है फॉर 1 year, अब क्या करना है आपको. इन ऐसा होता है कि फाइनली आप जब पेमेंट करते हो ट्यूशन फी फॉर 1 year तो कॉलेज आपको सारा डॉक्यूमेंट देगा, ठीक है, फॉर डॉर्मेट्री, फॉर वीज़ा इन पोलिश एम्बेसी या VFL जो भी बोल लो. उसमें एक यूनिवर्सिटी का लेटर होता है कि आप स्टूडेंट हो, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट नंबर और आप पोलैंड वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे. तो गाइस टाइम हो रहा है 4:28 एंड फाइनली आई थिंक इट्स गोइंग टू बी सनसेट. काफ़ी प्यारा लग रहा है भाई, हल्की सी धूप हुई है. तो गाइस आप फाइनली सारा पेमेंट कर दोगे यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस, एप्लीकेशन फीस, जो भी फीस होती है. फिर आपको एक डॉक्यूमेंट देंगे, उसमें ये लिखा रहता है कि आप अब कॉलेज के स्टूडेंट हो, आपका ये स्टूडेंट नंबर है, आपका ये पासपोर्ट नंबर है, और वो लेटर आपको लेके जानी है पोलिश एम्बेसी व्हेन यू अप्लाई फॉर द वीज़ा. और एक डॉर्मेट्री का भी लेटर होगा कि यू हैव अ एकोमोडेशन फिक्स्ड इन पोलैंड, ऐसा करके. तो गाइस अगर आप फाइनली इस स्टेप तक आ गए हो सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली यू आर स्टूडेंट ऑफ पोलिश यूनिवर्सिटी, आप अब्रॉड के स्टूडेंट हो, ठीक है. और नाउ आपको अप्लाई करना है वीज़ा के लिए. आप इंडिया से हो तो इंडिया में, पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान से, या नेपाल से हो तो आपको इंडिया आना पड़ेगा वीज़ा के लिए. तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपको चाहिए पहले वीज़ा अपॉइंटमेंट का जो स्लॉट होता है, ठीक है, और वो स्लॉट इतना आसानी से मिलता नहीं है भाई. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प कर चुका हूँ वीज़ा स्लॉट के लिए. अब अपने से पूरा ट्राई करते रहो, और नहीं मिलेगा तो आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन फिल द फॉर्म, सब लिंक डिस्क्रिप्शन में, एंड देन आई हैव सम कॉन्टैक्ट्स हू कैन गेट यू द डेट्स इन द VFS. और उसके भी चार्जेस होते हैं भाई, बिकॉज जो बंदा है ही चार्जेस हिज ओन मनी फॉर द अपॉइंटमेंट. VFS में अपॉइंटमेंट लेने के लिए प्रोसेस ये है, फर्स्ट आप VFS पोलैंड की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर अपना अकाउंट बनाओ, अकाउंट बना के देन यू कैन बुक द डेट्स, ऐसा होता है. तो आपका जिस दिन अपॉइंटमेंट होगा उस दिन आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, अपने यूनिवर्सिटी के, अपना पासपोर्ट, एडमिशन लेटर, जो आपका ट्यूशन फी कंफर्मेशन है. गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पोलैंड वीज़ा इज द क्रेडिट कार्ड लिमिट सर्टिफिकेट. अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड का लिमिट सर्टिफिकेट नहीं है तो क्रेडिट कार्ड एक बनवा लो भाई, अपने पापा का या कोई भी स्पॉन्सर है उनका एक आप लगा दो क्रेडिट कार्ड, और उसकी लिमिट होनी चाहिए अराउंड 3 to 4 lakh. अगर आपके पास 3-4 lakh लिमिट का सर्टिफिकेट है तो इज वेल इनफ, इज वेरी गुड. आप वो सर्टिफिकेट अपना लगा सकते हो वीज़ा एप्लीकेशन में, एंड देन सक्सेसफुली यू विल गेट द वीज़ा. आपका जिस दिन VFS में अपॉइंटमेंट होगा उस दिन आपकी खाली फाइल सबमिशन होगी, उस दिन आपका इंटरव्यू नहीं होगा. इंटरव्यू के लिए दे विल कॉन्टेक्ट यू, और इंटरव्यू के लिए इधर यू हैव टू गो टू मुंबई कंसुलेट या फिर न्यू दिल्ली पोलिश एम्बेसी. तो क्या जो पोलैंड वीज़ा का इंटरव्यू होता है वो भी इतना आसान नहीं है, उसमें वो कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी वेरी ट्रिकी. तो उसके लिए भी आपको पहले से प्रिपेयर होकर रहना है. यू हैव टू ड्रेस गुड, आप एकदम फॉर्मल कपड़े उपड़े पहन के जाओ, एकदम जूते वगैरह पॉलिश करके, अच्छे से बाल वाल कटा के मेरे तरह नहीं. और बेसिकली उस इंटरव्यू में आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं, जो पोलिश एम्बेसडर होते हैं दे विल आस्क यू क्वेश्चंस इन इंग्लिश. वो पोलिश में नहीं होता भाई, वो इंग्लिश में होता है, और वो पूछेंगे व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स, व्हाई डिड यू गो टू यूनिवर्सिटी, और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं. उसके लिए आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो, प्लीज चेक इट आउट, व्हाट आर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन पोलिश वीज़ा. तो गाइस मेरा पॉइंट ये है कि वीज़ा इंटरव्यू आप इतने हल्के मत लो, बहुत लोग मुझे पता है ऐसे हल्के में ले लेते हैं. मैं भी जब गया था अपना वीज़ा इंटरव्यू देने इन 2018 तो वहाँ मैं देखा बहुत लोग ऐसे हैं भाई, बहुत कैजुअली ड्रेस होके आए, एकदम ऐसे हुडी वगैरह पहन के. मतलब ये समझ करो भाई, एक प्रॉपर फॉर्मल कपड़ा पहन के जाओ, इट शोज दैट यू केयर एंड यू आर प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू. ऐसा होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. एंड इन केस अगर आप इंटरव्यू के लिए उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, यू शुड ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट टू गिव द बेस्ट आंसर्स. और कुछ झूठ मत बोलना भाई, अगर आप झूठ बोलते हो तो इतने वो चूतिया नहीं है, दे हैव टेकन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज, तो आपको पकड़ लेंगे, फिर आपका वीज़ा हो जाएगा रिफ्यूजल. जस्ट ट्राई योर बेस्ट एंड बी कॉन्फिडेंट विद द इंग्लिश, इंग्लिश कॉन्फिडेंस के साथ बोलना. अगर गलत बोल रहे हो तब भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, एक लगता है कि भाई बंदे को कॉन्फिडेंस है और बंदा झूठ नहीं बोल रहा है. भाई यहाँ पे इतना प्यारा सा झूला है पर कोई बच्चे खेल नहीं रहे भाई, आजकल के बच्चे ना मतलब फ़ोन पे ही खेलते रहते हैं. हमारे टाइम तो ऐसा होता था कि भाई ये सब चीज़ें हमें मिलती ही नहीं थी. गाइस एट दिस पॉइंट आई एम अज्यूमिंग कि आपका वीज़ा भी अच्छे से हो गया भाई, इंटरव्यू वगैरह, एंड नाउ यू हैव टू वेट फॉर गेटिंग द वीज़ा. वीज़ा मिलने का भी प्रोसेस इज अराउंड 2 weeks 3 weeks. एनीवेज आप VFS को कॉल करके पूछ सकते हो कि क्या चल रहा है भाई आपके एप्लीकेशन का. सारा काम हो गया भाई, अब तो भाई मिठाई बांटी दो, मतलब घर परिवार मोहल्ले सबको फ़ोन करके बोल दो कि आप समझते थे कि हमसे कुछ नहीं होगा पर वीज़ा मिल गया. तो मेरे को याद है यार, जब मुझे वीज़ा मिला था ना इतनी खुशी हुई थी, मुझे तो ऐसा लगा था कि मेरा हार्ट बीट रुक गया कुछ सेकंड के लिए. मतलब गाइस ऐसा लगता है लिटरली कि आप 5-6 महीने से इतना मेहनत किए जा रहे हो, आपके पेरेंट्स भी परेशान हैं. गाइस आप जब स्टडी अब्रॉड के लिए प्रिपेयर करते हो ना तो आप इन्वॉल्व नहीं होते, आपकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है उसमें. मुझे याद है मेरे पेरेंट्स भी बहुत सोच रहे थे कि कब तक वीज़ा मिलेगा इसको, कब जाएगा ये, या फिर सब कुछ अच्छे से हो गया है नहीं हो गया. तो यही सब होता है भाई, थोड़ी टेंशन होती है पर एक बार वीज़ा मिल गया तो सब कुछ ठीक है. नाउ यू कैन फाइनली फ्लाई टू पोलैंड, आप अपना फ्लाइट बुक करो,
कोई भी फ्लाइट बुक कर लो, मेरा उसमें कोई पर्सनल वो नहीं है रिकमेंडेशन, यू कैन चूज एनी ऑफ द फ्लाइट। गाइस मेरे केस में, मैं जब इंडिया से पोलैंड आया था तो आई केम फ्रॉम एमिरेट्स, थोड़ी अच्छी सर्विस थी भाई, पैसे भी लग गए थे अराउंड 50-60,000। अब तो फ्लाइट काफ़ी सस्ती हो गई है, यू कैन चूज एयर इंडिया या फिर जो भी है भाई, देख लेना। से बहुत लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हम जब स्टार्टिंग में पोलैंड आए तो अपने साथ कितने करेंसी, क्या पैसा कैरी करके लाएं। तो मैं बोलूंगा यू कैन कैरी अराउंड 200-400 यूरोस, आप यूरोस अपना लेके आओ, इंडिया से ज्लॉटी मत कराना कन्वर्ट, बिकॉज आपको बहुत ही गंदे रेट मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आके आप यू कैन कन्वर्ट इनटू ज्लॉटी, मतलब यहाँ पोलैंड में ज्लॉटी चलती है, पोली ज्लॉटी, तो आप यूरो को ज्लॉटी में कन्वर्ट करा सकते हो। सो गाइस मैं आपको 1-2 लाख रुपए स्टार्टिंग में लाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप जब इंडिया से आओगे तो आपके पास ऐसे कोई जॉब नहीं होगी यहाँ पे, राइट, यू विल बी अ स्टूडेंट, तो थोड़े मोटे खर्चे होते हैं भाई, आपको कुछ कुछ सामान वगैरह लेना पड़ेगा, ग्रोसरीज या समझ रहे हो ना, जो भी मिसलेनियस, उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ कि व्हाट आर द थिंग्स यू शुड डू आफ्टर कमिंग टू पोलैंड, तो गो एंड चेक इट आउट। मतलब गाइस मेरा ऐसा सीन है कि आप मेरे चैनल को अगर स्टार्टिंग से लास्ट तक देखो तो आपको सारा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, यू डोंट नीड एनी कंसल्टेंसी, यू डोंट नीड एनी एजेंट, बट स्टिल इफ यू नीड माई हेल्प आई विल बी देयर, मैं हमेशा आपके टच में रहूँगा, और सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन बुक अ कॉल विथ मी 1-to-1। ऐसे तो आप मेरे को इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो करके क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो, आई रिप्लाई टू एवरीवन। होता है ना कुछ कुछ जेन्युइन लोग होते हैं जिनका अर्जेंट केसेस होता है, तो उनके लिए मैंने एक जो शुरू करा है जो भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और गाइस लेट मी रिमाइंड यू अगेन, पोलैंड में बैंक स्टेटमेंट वैलिड नहीं है भाई, बहुत लोग पूछते हैं अभी भी, उत्कर्ष में आपने बैंक स्टेटमेंट में 8 लाख दिखाया, 10 लाख दिखाया, तब भी वीजा नहीं मिला। मतलब गाइस इंडिया में अब जो पोलैंड की VFS है, दे आर ओनली एक्सेप्टिंग क्रेडिट कार्ड लिमिट सर्टिफिकेट, दे डोंट टेक बैंक स्टेटमेंट, तो बैंक स्टेटमेंट लेके मत जाना, वीजा हो जाएगा रिजेक्ट। फॉर वीडियो जाते व्लॉग, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, अच्छी थी, प्यारी सी, सुंदर सी वीडियो थी, और पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, बहुत लोग मेरी वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, 25K कराते हैं फिर 30K और जो भी आगे गोल अचीव करते हैं भाई। अब मिलते हैं नेक्स्ट फॉर्मेंट लफम पोलैंड, प्लीज़ मिलते हैं भाई, पीस।